good morning students welcome once again to my class this video is for class 6 and uh, today we'll continue with the chapter of history that is 11th chapter gupta and post gupta period so one topic is only left in this chapter that is administration in the southern kingdoms so we'll cover this topic and then we'll discuss the exercise of this chapter exercise students are also given pdf so that you can complete it easily नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन दर्दर्न किंगडम वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की क्या स्थिति थी दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के राज्यों में सो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल असम्बलीज जो शिलालेख मिलते हैं हमें रिसोर्सेस so, uh, में जिनसे हमें जानकारी मिलती है उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनमें इंस्क्रिप्शन सबसे महत्वपूर्ण तो है शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण तो है तो वो शिलालेख जो पल्लवाज़ ने लिखवाए थे या बनवाए थे इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल असेंबलीज़, उनसे पता चलता है कि वहाँ पे लोकल स्तर पे कई सारी सभाएँ थीं जैसे कि पहली है सभा सभा वॉज एन असेंबली सभा क्या होती थी एक असेंबली होती थी ऑफ़ ब्राह्मीण लैंड ओनर्स एक्चुअली असेंबली का हिंदी मीनिंग ही सभा होता है मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स ठीक है असेंबलिंग टुगेदर तो लोगों का एक समूह जो एकत्रित होकर किसी बात पे डिस्कशन करे सो so, सभा वाज एन असेंबली ऑफ़ ब्राह्मण लैंड ओनर्स तो ये सभा यहाँ पे किसकी होती थी ब्राह्मण जो जमींदार होते थे लैंड ओनर होते थे दिस असेंबली हैड डिफरेंट सब कमिटीज़ इस असेंबली के इस सभा के अलग अलग सब कमिटीज़ थी विच कंट्रोल्ड एंड मैनेज इरीगेशन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मेकिंग रोड्स लोकल टेम्पल्स एट्सेट्रा तो इस असेंबली के लोगों का क्या काम होता था जो अलग अलग कमिटीज़ थी उनका अलग अलग काम था उन्हें क्या कंट्रोल या मैनेज करना होता था सिंचाई की व्यवस्था कैसी चल रही है खेती की क्या स्थिति है क्या चीज़ें अवेलेबल करानी हैं सड़कें बनवानी हैं टेम्पल बनवानी हैं उनकी मेंटेनेंस करनी है ये सारी जिम्मेदारी इन असेंबली के मेंबर्स की या सब कमिटीज़ की होती थी नाउ द नेक्स्ट असेंबली वाज उर उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मिनस और गांव के ही स्तर पे एक सभा होती थी एक असेंबली होती थी जो कि वेर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मणस जहाँ पे ज़मींदार ब्राह्मण नहीं होते थे ठीक है ये जरूरी था कि ब्राह्मण ही वहाँ पे ज़मींदार हों तो ऐसा नहीं होता था में नगरम वॉज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स नगरम ऐसे ही एक असेंबली uh, थी जो किसकी थी मर्चेंट्स की व्यापारियों की दीज लोकल वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स इन सभाओं को कौन कंट्रोल करता था कौन इसका नेतृत्व करता था अमीर लोग या फिर शक्तिशाली जमींदार एंड मर्चेंट्स जमींदार या फिर व्यापारी जो कि रिच होते थे और पावरफुल होते थे इन द चालुक्या विलेज द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंट्रोल्ड बाई विलेज एल्डर्स कॉल्ड महाजन जनाज तो चालुक्यास जो चालुक्यन वंश के जो गांव थे वहां पे जो प्रशासन था उसको कौन कंट्रोल करता था गांव के ही बड़े बुज़ुर्ग एल्डर्स जो होते थे बड़े बुजुर्ग उन्हें महाजनास कहा जाता था वही इसको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रशासन को कंट्रोल करते थे एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ डैश ट्रैवलर सो आंसर चाइनीज ट्रैवलर सेकंड डैश मीन्स द किंग ऑफ किंग्स सो द आंसर इज महाराजा धीराज मीन्स किंग्स ऑफ किंग्स The Dash dynasty established by Pulkesin I in five hundred forty-three C.E. So the answer is the Chalukyas dynasty. The capital of Pallavas was Kanchi. The answer is Kanchi. Dash was a poet and a minister at the court of Samudragupta. So the answer is Harisen. Harisen was a poet and a minister at the court of Samudragupta. Now.

B. Chandragupta I was the first powerful ruler of Gupta dynasty. Yes, this is true. C. Chandragupta II was married to Lichhavi princes named Kumara Devi. No, Chandragupta II married to Naga princes, not Lichhavi princes. This one is also false. The next one. I whole is a prashasti composed by Ravikirti. Yes, I hole is a Prashasti composed by Rabbi Kirti. that's true and uh, next Vaktakas was powerful but ruled for a long time no Vaktakas was very powerful but they ruled for short period of time so this one is false take the correct answer from the given options the first one Banabhat was the court poet of which Emperor so the answer is Banabhat वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ हर्षवर्धन पर हर्षवर्धन आर्यभट्ट वॉज एन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट क्या थे फिलोसफर साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर तो वो एस्ट्रोनॉमर थे हर्षचरित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन रटन बाय हर्षचरित जो कि एक आत्मकथा है हर्षवर्धन की वो किसने लिखी थी बानभट्ट ने नाउ द नाइन जेम्स या फिर नौ रत् इंक्लूडिंग पोएट कालीदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ तो नौ रत्न किसके जिसमें से कालिदास भी एक थे तो वो किसके दरबार में थे चंद्रगुप्त टू के दरबार में हु वॉज मैरिड टू नागा प्रिंसेस चंद्रगुप्त टू मैरिड टू नागा प्रिंसेस सो रीड द चैप्टर प्रॉपरली एंड प्रिपेयर फॉर योर एनुअल एग्जाम्स थैंक यू